रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर, बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बताने चाह रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी इस बीच, बहादुरगढ़ से सफाई कर्मचारियों का हल्ला बोल। ये बड़ी खबर आपको बता दें, कर्मचारियों ने शुरू की दो दिवसीय हड़ताल, तो दो दिवसीय हड़ताल शुरुआत कर दिया। प्रदेश के 90 नगर निकायों के हड़ताल पर है, तो सरकार से समझौतों को लागू करने की मांग जो है वो यहाँ पर की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग, मांगे नहीं मानी गई तो फिर काली दिवाली जो है वो मनाई जाएगी। ये बड़ी खबर, बहादुरगढ़ से सफाई कर्मचारियों का हल्ला बोल, तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी यहां पर बता रहे हैं। तो प्रदेश के 90 नगर निकायों के जो कर्मचारी वो हड़ताल पर हैं, सरकार से समझौतों को लागू करने की मांग जो है वो यहां पर की जा रही है। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग यहां पर की जा रही है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो प्रदेश के 90 नगर निकायों के कर्मचारी जो है वो हड़ताल पर हैं, अपने मांगों को लेकर सरकार से समझौतों को लागू करने की जो मांग है वो यहाँ पर की जा रही है। बड़ी खबर, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग की जा रही है, तो मांगे नहीं मानी गई तो फिर काली दिवाली बनाएंगे। प्रवीण धनखड़ बहादुरगढ़ से संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रवीण, कर्मचारियों का ये हल्ला बोल, क्या कुछ मांगे हैं? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया, फिलहाल कोशिश करेंगे दोबारा संपर्क करने की। फिलहाल सरकार से समझौतों को लागू करवाने की मांग जो है वो कर्मचारी कर रहे हैं, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग यहां पर की जा रही है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, मांगे नहीं मानी गई तो फिर काली दिवाली मनाएंगे, इस बात का ऐलान जो है वो कर दिया गया। बहादुरगढ़ से बड़ी खबर, सफाई कर्मचारियों का हल्ला बोल, अपनी मांगों को लेकर जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी यहाँ पर आपको बता रहे हैं।